नमस्कार दोस्तों, द बैकपैकर्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वो है दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की, जो कि चांदनी चौक में है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में पूरा मंदिर कवर करने वाला हूं, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मंदिर से जुड़ी हुई। वीडियो को आखिरी तक देखें। मंदिर जो है चांदनी चौक के मेन मार्केट में बना हुआ है। इसके बगल में एक जैन मंदिर है और बाहर से देखने में दोस्तों कुछ मंदिर इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है, 800 साल पुराना मंदिर है ये। और ये रोड के बिल्कुल सामने से झांकता हुआ लाल किला था, ये जैन मंदिर है। और सामने देखिए, बिल्कुल आगे जाएंगे तो शीशगंज गुरुद्वारा है। मार्केट पूरी हरी भरी मार्केट है, यहाँ पर पूरा खचाखच भरा रहता है, रात और दिन भरा रहता है। ये जहाँ आरा ने बनवाया था, शाहजहाँ की बेटी थी जहाँ आरा, यहाँ से आप फूल पत्ती ले सकते हैं। 30 रुपये और 50 रुपये की टोकरी फूल पत्तियाँ यहाँ से मिल जाएंगी आपको। यहाँ से आप मिष्ठान ले सकते हैं अंदर प्रसाद के लिए, ब्रजवासी मिठाई वाले चौबे जी मिष्ठान भंडार। रात में देखिए दोस्तों मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों ये मंदिर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुलता है। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर, जहाँ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, वहीं इतिहास के स्वर्ण पन्नों में भी इसका अनूठा रहस्य मिलता है। यहाँ भगवान शिव का अर्धनारेश्वर रूप मिलता है। दोस्तों मंदिर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये दोस्तों मार्केट पूरी लंबी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, होलसेल मार्केट भी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर 5 पीपल के पेड़ हैं और यहाँ पर बीच में बैठे हैं हमारे शिवशंकर भगवान जी। हर भक्त की मनोकामना को पूरा करते हैं। मंदिर करीब 800 साल पुराना है। इसके बाद 1761 में मराठा सैनिक अप्पा गंगाधर ने इस मंदिर के भवन का निर्माण करवाया था। के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के अलावा माँ पार्वती, गणेश महाराज, कार्तिकेय महाराज की प्रतिमाएं विराजमान हैं। पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान है, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ जी के और माता पार्वती रानी के। यहाँ पर एक 800 साल पुराना भूरा लिंगम भी है। लिंगम चांदी से बने सांपों से घिरा हुआ है। मंदिर के अंदर ही ताम्र पत्र पर अनेक देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। पूरी छत पर भी चित्र बना रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे मंदिर के अंदर। दोस्तों गौरी और शिव की पूजा अर्चना के लिए यहाँ सुबह 5 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। सोमवार को भी यहाँ सुबह 5 बजे से शिवलिंग और गौरी शंकर का पूजन शुरू हो जाता है। पूरे सावन मास में भक्तों की हजारों की तादाद में भीड़ देखने को मिलती है। यह पुरानी दिल्ली के सबसे चर्चित और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दोस्तों सावन मास में कांवड़ियों को भोलेनाथ के साथ काफी सुंदर मंदिर परिवार के पूजन का सौभाग्य भी मिलता है। मंदिर से जुड़े जानकारों का दावा है कि भारत के इतिहास में शैव संप्रदाय की काफ़ी भूमिका है। यह मंदिर उसी संप्रदाय का प्रतीक है। 5 पीपल के पेड़ों के बीच मौजूद शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पहले से मौजूद है, जिसके ऊपर रखे एक चांदी के बर्तन से जल की बूंदें अभिषेक कर रही हैं। दोस्तों सर्दियों में कलश हटा देते हैं, इसलिए यहाँ पर अब कलश नहीं टंगा हुआ है। दोस्तों भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है दिल्ली। लोग दूर दूर से इस शहर में घूमने आते हैं। दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम दोनों की मिलीजुली संस्कृति देखने को मिलती है। इतिहास के पन्नों में दिल्ली का बहुत बड़ा स्थान है। मकबरों के अलावा यहाँ कई सालों पुराने मंदिर भी हैं। यहाँ लोग आज भी पूजा अर्चना करते हैं। इसी मंदिर में अन्य देवी देवताओं की
मूर्तियाँ भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। सबसे पहले मैं जी गणेश जी के दर्शन करवा रहा हूँ आपको, सामने देखिए, दर्शन कीजिए। और पूरा मंदिर संगमरमर से बना हुआ है, पूरा परिसर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। मंदिर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। यहाँ पर सबकी मान्यताएँ पूरी होती हैं, मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, इसलिए हर कोई यहाँ पर अपना शीश झुकाना पसंद करता है। ये देखिए माता रानी जी के दर्शन कीजिए, माँ शेरावाली माता रानी। ये श्री राम दरबार जी का मंदिर है, सामने राम जी हैं, साथ में लक्ष्मण जी हैं और माता जानकी भी हैं। ये खाटू श्याम जी हैं, देखो पूरी दीवार पर संगमरमर की नक्काशी की हुई है, देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं इसके ऊपर। और इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है श्री शिवशंकर भगवान जी गंगा मैया को अपनी जटाओं में लेते हुए, ये सब दर्शन कीजिए। रुद्र रूप है श्री भोलेनाथ जी का यहाँ पर, ये देखिए। श्री गौरी शंकर मंदिर वैसे तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन दिवाली और महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर को फूलों से सजाया जाता है, लाइटों से सजाया जाता है, अलग अलग तरह की लाइटें भी लगाई जाती हैं। मुख्य द्वार से लेकर मंदिर के अंदर तक फूलों से सजा हुआ होता है। वहीं दिवाली और शिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में तगड़ी भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि आम दिनों में भी काफ़ी भीड़ होती है इस मंदिर में। लोग शिव और गौरी की पूजा अर्चना के लिए सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर लाइन में लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसे ब्रह्मांड का केंद्र भी माना गया है, गौरी शंकर मंदिर को, जो दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे ब्रह्मांड का केंद्र भी माना गया है। कृष्ण दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मैं आपको मिलता हूं। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय शिव शंकर भगवान की जय। शिव हरि ओम जय।